उधर विपक्ष को कर्नाटक चुनाव से संजीवनी मिली है, जिसके बाद नए तरीके से 2024 के समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस अब उन मुद्दों को हवा दे रही है जिन मुद्दों पर बीजेपी फेल हुई, यानी धर्म की सियासत का मुद्दा। ऐसे में कर्नाटक में कांग्रेस अपने एजेंडे और वोट बैंक के हिसाब से बीजेपी के बनाए कानूनों को बदलने का खाका तैयार कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बजरंग दल के ऊपर हम खदकन लगाएंगे। अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तदार उनके हाथ से मिल जाता। बजरंग बली की जय। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। कर्नाटक चुनाव खत्म हो गए, लेकिन खत्म नहीं हो रही है तो सियासत। जिस बजरंग दल पर बैन के मुद्दे को बीजेपी ने बजरंग बली से जोड़ा, उस मुद्दे को अब कांग्रेस आगे ले जाने की तैयारी कर रही है। टारगेट पर अब बजरंग दल के साथ साथ आरएसएस भी। Why is BJP so upset? So are they saying that any organization that creates disharmony should be encouraged? Any organization that does unconstitutional activity should be encouraged? What is the problem? I don't understand. We are clear on our stand saying that any organization that will be sowing seeds of discontentment and hatred will be dealt legally. We are not anybody, sir, anybody. Even if I am doing it, my government is going to tackle me with a stern hand. प्रियांक के इस बयान पर आरएसएस ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। तो ऐसा है कि बैन करने से आरएसएस न खत्म होगी न समाप्त हो जाएगी। अनुभव ऐसा है कि जितने बार बैन किया उतने बार आरएसएस का काम बढ़ा है। अब प्रियांक खड़गे नए नए आए हैं कांग्रेस में, चुनाव जीत कर भी आए हैं कर्नाटक से, चित्तपुर से, तो उनको लगा होगा कि शायद हम इस पर स्टेटमेंट देंगे तो हमारी कुछ अहमियत बढ़ जाएगी। तो बढ़ने दीजिए, अपने जिसको कहते हैं कि मूर्खों के नंदनवन में रहने का अगर उनको शौक है तो जरूर पाले वो शौक। बजरंग दल, VHP, RSS, इसको प्रतिबंधित करने की बात जरूर बार बार करेंगे। ये जानते हुए भी कि राज्य के अंदर वो शक्तियां नहीं है कि किसी संगठन को प्रतिबंधित कर सके। PFI भी नहीं बोलेंगे वो। RSS और RSS के अनुसंगिक संगठनों के बारे में बोलने से उनको एक पब्लिसिटी मिलती है। बजरंग बली की। कर्नाटक के चुनाव में भले ही धर्म का मुद्दा फेल हुआ, लेकिन धर्म की सियासत खत्म नहीं होती दिख रही। PFI से लेकर बजरंग दल तक, स्कूल में हिजाब बैन से लेकर धर्म परिवर्तन कानून तक, हर मुद्दे पर सियासत की नई किश्त जारी हुई है। सरकार बदली है तो अपने एजेंडे के हिसाब से सियासत का खेल भी बदल गया है। ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, 18,000 चिल्ड्रन आर नाउ आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज ऑफ वन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। वी विल रिव्यू एवरीथिंग दैट इज रिग्रेसिव। हिजाब का मुद्दा पिछले एक साल से कर्नाटक में गर्म। कांग्रेस का दावा है कि हिजाब सर्कुलर लागू होने के बाद से कम 18,000 अल्पसंख्यक स्कूल से बाहर हो गए। कांग्रेस अब इन लोगों को मुख्य धारा में लाने की बात कर रही है, लेकिन कोर्ट से लगातार हिजाब से जुड़ी याचिकाओं में झटका मिलने के बाद अब कांग्रेस इसे कानूनी पेज को समझने की तैयारी कर रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, आदमी को डिसेंटली ड्रेस नहीं होना चाहिए? आदमी को भी होना चाहिए, महिला को भी होना चाहिए। पाबंदियाँ सही नहीं है, बाकी हर एक की अपनी मर्जी है जो कर। और स्कूलों का ये हक कि वो अपनी यूनिफॉर्म तय कर सकें, ये पूरी दुनिया में माना जाता है, वो माना जाना चाहिए। इंडिविजुअल के ऊपर आप थोड़ी प्रेस आप कोई प्रतिबंध लगा रहे हैं किसी के ऊपर। इंडिविजुअल को पूरी आजादी है, जो चाहे वो पहने। मुद्दा सिर्फ हिजाब, बजरंग दल या आरएसएस नहीं है। सियासत में धर्म के मुद्दों की एक लंबी लिस्ट है जिस पर बीजेपी और कांग्रेस लगातार आमने सामने रहे। गोहत्या विरोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून इसकी एक और कड़ी है, और कांग्रेस अब इन्हें भी बदलने के संकेत दे रही है। कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि हम न सिर्फ गौहत्याबंदी कानून और धर्मांतरणबंदी कानून पर रोक लगाएंगे, उसको हटाएंगे, बल्कि हिजाब बैन, हलाला कट और अन्य इस तरह की जो जातियों पर अंकुश लगाने वाली परिपाटी थी
और जो उनके कुकर्म है उनको खुला छोड़ेंगे। राहुल गांधी कर्नाटक में जीत के साथ इशारा कर चुके हैं कि धर्म से जुड़ी बीजेपी की नई नीतियों पर कांग्रेस की नजर है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। बहरहाल कर्नाटक में चुनाव खत्म हो गए हैं। इस चुनाव ने कांग्रेस को नई संजीवनी दी है। जहां से लोकसभा की रणनीति तय हो रही है, ऐसे में बीजेपी के खिलाफ जिन मुद्दों को वो कर्नाटक में जीत से जोड़ रही है, उन मुद्दों को वो लोकसभा चुनाव से पहले भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आज तक के रूप